हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियां शुरू हो गई हैं और होली का फेस्टिवल आने ही वाला है। बिना ठंडाई के होली में मज़ा ही नहीं आता, इसलिए मैं आज ठंडाई प्रीमिक्स की रेसिपी लेकर आई हूं। गर्मियों का मौसम स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा पिया जाए और वो हेल्दी और टेस्टी भी होना चाहिए। आज मैं लाई हूँ ठंडाई प्रीमिक्स बनाने की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे दूध में मिलाकर पी सकते हैं। तो चलिए बड़ी ही क्विक और इंस्टेंट सी ठंडाई प्रीमिक्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम ठंडाई प्रीमिक्स के लिए यहाँ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 12 से 14 बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून चिरौंजी, 1 से 1.5 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून खसखस, 8 से 10 काजू, 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज, 8 से 10 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, केसर, थोड़ा सा जायफल और साथ ही 250 ग्राम शक्कर लेनी है। तो ये हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो चलिए प्रीमिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में 250 ग्राम शक्कर डाल लेंगे, साथ ही हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च के दाने और साथ ही सौंफ ऐड कर लेंगे। शक्कर में हमें अभी इतनी ही चीजें डालनी है और इन सभी को हमें फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेना है। हमारा पाउडर ग्राइंड होकर रेडी है। शक्कर में इन सभी चीजों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब इस शक्कर के पाउडर को हम एक छन्नी से छान लेंगे। छानने से इसमें कुछ भी अगर इलायची का छिलका वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं शक्कर के पाउडर को अच्छी तरह से छान लूंगी। तो ये मेरा शक्कर का पाउडर छन चुका है, इसमें इलायची वगैरह का छिलका कुछ भी नहीं निकला है। अगर आपके पाउडर में कुछ छिलका वगैरह निकले तो आप उसे अलग रख दें। तो ये हमारे शक्कर का फाइन पाउडर रेडी है। नेक्स्ट अब मैं सेम मिक्सर जार में खसखस, खरबूजे के बीज, चिरौंजी, काजू और बादाम डाल लूंगी। इन सभी चीजों को डालकर हमें पल्स मोड पर हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अभी दरदरा सा ही है, इसे हमें ज्यादा नहीं पीसना है वरना इसका ऑयल रिलीज हो जाता है। अब इसमें हमने जो शक्कर का पाउडर पीस कर रेडी किया था उसे ऐड कर देंगे। इन दोनों पाउडर को हमें एक साथ ग्राइंड कर लेना है। इन दोनों को एक साथ पीसने से ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने हमारे ठंडाई के प्रीमिक्स को पीस लिया है। इस प्रीमिक्स को मैं फिर से एक बार और छान लूंगी, जिससे कि ये मार्केट में मिलने वाले ठंडाई पाउडर की तरह एकदम फाइन पाउडर की तरह रेडी हो जाएगा और इसमें अगर कोई लम्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो ये हमारा एक साथ ठंडाई प्रीमिक्स बनकर तैयार है। तो देखिए ये ठंडाई पाउडर मार्केट से भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और ये टेक्सचर में भी एकदम फाइन बनकर तैयार हुआ है। आप इस ठंडाई प्रीमिक्स को एक महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। लास्ट में इसमें मैं थोड़ी सी जायफल की इसके डाल दूंगी। जायफल डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्मेल आती है। ध्यान रहे आपको यहाँ पर बहुत थोड़ा ही जायफल यूज करना है। जायफल को भी हम ठंडाई प्रीमिक्स में मिक्स कर लेंगे। तो थी ना बहुत ही आसान सी ठंडाई प्रीमिक्स की रेसिपी। इसे मैं इस तरह के एक कांच के जार में भर लूंगी। आप भी इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं।
इस ठंडाई प्रीमिक्स से आप बहुत ही क्विक और इंस्टेंट ठंडाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि इस ठंडाई प्रीमिक्स से आप ठंडाई बनाकर कैसे रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में मैं 2 बड़े चम्मच ठंडाई प्रीमिक्स का डाल लूँगी और साथ ही 1 ग्लास दूध। हमें 1 ग्लास ठंडाई बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच ठंडाई प्रीमिक्स के लग जाते हैं। दूध और ठंडाई प्रीमिक्स को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने पर इसे मैं 5 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। 5 मिनट रख देने से दूध में ठंडाई के सभी फ्लेवर आ जाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को मैं एक मिक्सर जार में डाल लूंगी। साथ ही इसमें मैं कुछ केसर डाल लूंगी, जिससे कि हमारी ठंडाई में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। लास्ट में इसमें आइस क्यूब डालकर इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो ये बहुत ही टेस्टी सी हमारी ठंडी ठंडी ठंडाई बनकर तैयार है। इसे मैं 1 ग्लास में पोर कर लूंगी। आप इस होली पर इस ठंडाई को जरूर ट्राई करें, आपको मजा ही आ जाएगा। ठंडाई को मैंने पोर कर लिया है। अब मैं इस ठंडाई को कुछ चॉप किए हुए पिस्ते से गार्निश कर दूंगी। साथ ही इसमें कुछ केसर के स्ट्रेंस भी ऐड कर दूंगी। तो लीजिए, बढ़िया सी ठंडाई बनकर तैयार है। ये जितनी ज्यादा दिखने में सुंदर है, ये पीने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। आपके घर पर इस ठंडाई को सभी बहुत पसंद करेंगे। आने वाले त्योहारों पर आप अपने गेस्ट को जरूर सर्व करें। अगर आपको ठंडाई प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आने वाले होली स्पेशल वीडियोस को देखना ना भूलें।